एनआरसी और सीएए कानून के विरोध में पूरा देश सड़कों पर उतर चुका है। जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हुए हैं, तो कई जगह राजनीतिक उपद्रवियों ने इसे हिंसक रूप दिया है। अरे हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान। गली से लेकर दिल्ली तक और चांदा से लेकर बांदा तक इसकी चिंगारी भड़क चुकी है। पूरा विपक्ष इस कानून के विरोध में एकजुट हो चुका है, तो सरकार इस कानून को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। देश की बढ़ती बेरोजगारी, गिरता रुपया, जीडीपी की खस्ता हालत, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों को दरकिनार कर इस कानून के मायाजाल के जरिए सरकार देश की जनता का ध्यान भटका रही है, ऐसा आरोप भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। चंद्रपुर जिले में भी कल शुक्रवार को सीएए और एनआरसी कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने इस बिल का पुरजोर विरोध दर्शाया। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को इस कानून को लागू ना करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। कल शुक्रवार को जिले के वरुरा तहसील में भी आंदोलन किया गया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे? इनको बंबई में बसाओगे? इनको गुजरात में बसाओगे? इनको आसाम में बसाओगे? इनको त्रिपुरा में बसाओगे? कहाँ बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? उसी के तो रास्ता खुलेगा इस बिल से। और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे, यही है। कुछ रोज पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएए और एनआरसी कानून को लेकर एक राष्ट्रीय चैनल में पूछे गए सवाल पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल कर डाला कि एनआरसी कानून के जरिए सरकार विदेशियों को भारत में रहने के लिए खुद जरूरती दस्तावेज मुहैया कराएगी, और देश में रहने वाली जनता को कागजात ना होने के चलते देश से बाहर किया जाएगा, ये कैसा कानून होगा? इससे अच्छा तो ये होता कि सरकार देश के बेरोजगारों को रोजगार देती, महंगाई घटाने का प्रयास करती, लेकिन यहाँ इसके विपरीत देश के गरीबों को ही हटाया जा रहा है। जिसके साथ ही केजरीवाल ने सरकार के इस बिल का पुरजोर विरोध किया। टीम VL24 न्यूज़।